नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त समीर कुमार। और आज का ये वीडियो सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम कवर करेंगे अब तक पूछे गए मोस्ट रिपीटेड 100 आर्टिकल्स, यानी कि अनुच्छेद, यानी कि टीसीएस ने अभी तक जो एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में आर्टिकल्स पूछे हैं वो सारे के सारे आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने एक डीप एनालिसिस किया और जो आर्टिकल्स बार बार रिपीट हो रहे थे मैंने उनको एक जगह ही कंपाइल कर दिया है, जो कि आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले भाग एक के अंदर आर्टिकल एक से चार दिए गए हैं, तो आर्टिकल वन जो है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आर्टिकल वन है क्या? तो भारत राज्यों का संघ है, यही आपको वहां पर दिया होगा। आर्टिकल एक में क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल नंबर एक बताता है। आर्टिकल नंबर दो क्या बताता है? ये बताता है नए राज्यों का प्रवेश। मान लीजिए हमारे देश की बाउंड्री है, अगर कोई नेबरिंग कंट्रीज इसमें आके मिल जाती है, ठीक है, यानी उसकी लैंड इसमें मिलती है, हम एक्वायर करते हैं, उससे मिला करके अगर हम कोई नया स्टेट क्रिएट करते हैं तो आर्टिकल नंबर दो के अंतर्गत किया जाएगा। बात करें आर्टिकल नंबर तीन की, तो राज्यों की सीमा या नाम में परिवर्तन, लेकिन अगर हम अपने ही देश की जो इंटरनल बाउंड्री है उसी में ही कुछ हेर फेर कर रहे हैं, मान लीजिए 28 के 29 राज्य बना दे रहे हैं, है ना, एक जोड़े दे रहे हैं, या 28 के 27 राज्य बना रहे हैं, या किसी राज्य के नाम का परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं इस तरह का इंटरनली, तो आर्टिकल नंबर तीन के अंतर्गत किया जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड को सन 2000 में बनाया गया था यूपी के 13 जिलों को अलग करके, तो यूपी के 13 जिलों से बनाया गया उत्तराखंड, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत बनाया गया होगा? आर्टिकल नंबर तीन के अंतर्गत बनाया होगा। बात करते हैं भाग दो की। भाग दो नागरिकता से रिलेटेड है, इसमें आर्टिकल 5 से 11 के बीच में दिए गए हैं, और भाग दो से सिर्फ एक ही आर्टिकल पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 5, तो इसमें नागरिकता के प्रावधान दिए, बस आपको यही याद रखना, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे भाग तीन की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग है सारे के सारे भागों में, यानी सारे पार्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये है भाग तीन, और इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग तीन में कहां कहां तक आर्टिकल हैं? तो 12 से 35 के बीच में आर्टिकल्स दिए गए हैं, और सारे के सारे मौलिक अधिकार इसी में दिए गए हैं, इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि किस भाग को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो भाग तीन को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है? देखिए, जब संविधान बना था तो हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन बाद में एक संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको हटा करके कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया, तो वर्तमान में देखा जाए तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हम भारतीयों को प्राप्त हैं। कौन सा हटाया गया उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, फिलहाल देखते हैं 6 प्रकार के कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, उनके आर्टिकल्स को आप जरा ध्यान से देखिएगा। तो प्रथम प्रकार का जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार जो है वो आपको आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में देखने के लिए मिलेंगे। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है? ये बोलता है विधि के समक्ष समानता, यानी भारत के सभी नागरिक समान हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है कानून के लिए, यानी कानून सबको समान रूप से देखता है और सभी को समान रूप से न्याय दिया जाता है। आर्टिकल नंबर 15 है, ये बोलता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो निषेध है, नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, इसके आधार पर कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल नंबर 15 बताता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल नंबर 15 नाम की तो मूवी भी आई थी, आयुष्मान खुराना की, आई थिंक, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 16 है नौकरी में समान अवसर, अगर फॉर्म निकले हैं सरकारी नौकरी के तो सभी को समान अवसर है कि वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 17 है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया इस आर्टिकल के अंतर्गत, यानी कोई भी किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता, अस्पृश्यता का अंत किया गया आर्टिकल नंबर 17। और एसएससी का एक फेवरेट है, हर बार एसएससी पूछता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एसएससी ने ये वाला आर्टिकल ना पूछा हो। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 18 की, उपाधियों का अंत। पहले के जमाने में होता था राजा साहब हो गया, महाराज हो गया, इस तरह की उपाधियां दे दी जाती थी, लेकिन फिलहाल के लिए इस आर्टिकल के अंतर्गत इन सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि आप लोग लगातार एक मॉक टेस्ट डेली लगाएं, और मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आप प्रीवियस ईयर मॉक पर फोकस करें, यानी प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाएं, क्योंकि कैसा पैटर्न आ रहा है उससे आपको पता चल जाएगा। और इसके लिए मैंने आपको रिकमेंड किया है टेस्ट बुक, क्योंकि मैंने भी टेस्ट बुक को ही फॉलो किया था अभी तक। अगर आपने कोई भी मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया है तो मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आप टेस्ट बुक को परचेज कर सकते हैं, काफी बेहतरीन है। इसमें आपको सेक्शनल भी मिल जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाते हैं, और पूरे पूरे फुल मॉक भी मिलते हैं प्रीवियस ईयर वाले। देखिए, फिलहाल तो ये 599 रुपए का है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड ट्रिक, TRIC के ट्रिक अप्लाई करते हैं, तो ये जस्ट आपको 527 रुपए में मिल जाएगा।
और फिलहाल के लिए तो अभी एसएससी सीजीएल की प्री की जो एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर हो गई है, तो अभी तक आपने अगर नहीं लिया है तो यू मस्ट गो विद इट, क्योंकि अब कंपलसरी हो गया आपके लिए मॉक लगाना। ठीक है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, फीचर ऑफिसर सेल के अंतर्गत आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। बढ़ जाते हैं इसी के साथ हम अगले आर्टिकल की तरफ, ये है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल नंबर 19 में हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। क्या बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है? और आर्टिकल नंबर 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। अगर पूछ लिया जाए कि अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ए बी सी डी करके भी एग्जाम में पूछा गया है, और जब ऐसे प्रश्न आते हैं तब एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर तो बड़ा हार्ड नहीं आया था, आपने पढ़ा नहीं था। ध्यान से तो ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 19 ए क्या है? ये बोलने की स्वतंत्रता देता है, इसी के अंदर प्रेस फ्रीडम भी आती है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता। सीधा सीधा प्रश्न आया है एग्जाम में कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है, तो ये आर्टिकल नंबर 19, ठीक है, अगर 19 ही दिया होता है, मोस्टली नहीं दिया होगा तो 19 ए दिया होगा, याद रखिएगा एग्जैक्टली कौन सा होगा, 19 ए होगा। फिर बात करेंगे 19 बी की, तो ये शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने व सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 19 सी संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 19 डी देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी कहीं भी आप आ जा सकते हैं, आपको ये अधिकार संविधान देता है। फिर 19 ई की बात करें, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी स्टेट में जमीन खरीद सकते हैं, वहां अपना घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। 19 एफ में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन फिलहाल के लिए इसको यहां से रिमूव कर दिया गया है। बात करेंगे 19 जी की, तो कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, आप कोई सा भी व्यापार कर सकते हैं, बशर्ते वो लीगल होना चाहिए, याद रखिएगा। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 की, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कोई अपराधी है उसको एक ही दोष के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती है। जब उसने अपराध किया है उस वक्त जो प्रावधान है उसको सजा उसी के अनुसार मिलेगी, भले ही वो बाद में दोषी डिक्लेयर होता है। तो ये सब आर्टिकल 20 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 21 क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसके अंतर्गत एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये सीधा सीधा ये पूछता है कि निजता का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो निजता का जो अधिकार है यानी राइट टू प्राइवेसी, उसको आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत रखा गया है। क्या राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत है? यह सीधा आपसे पूछेगा स्वच्छ पानी का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 21। स्वच्छ हवा का अधिकार 21, है ना, ये सब क्या है, आर्टिकल नंबर 21 है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। बात करते हैं आर्टिकल 21 ए की, ये भी बहुत 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 पूछा जाता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क मौलिक शिक्षा का अधिकार। देखिए 21 ए है, पहले 21 रहा होगा, 21 ए यानी इसको बाद में जोड़ा गया, तो इसको कब जोड़ा गया मौलिक अधिकार के रूप में, तो इसको जोड़ा गया था सन 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत, यानी 86वां संविधान संशोधन किया गया था सन 2002 में, और उसी के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मौलिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया, और इसको आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत रखा गया। इसे आप मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में भी देखेंगे, 11वां मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत इसको रखा गया है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22 की, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, यानी पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेती है तो उसे ये जानने का अधिकार है क्यों गिरफ्तार किया गया, उसे ये अधिकार है कि वो अपने वकील से बात करता है, कर सकता है, अपने घर वालों को बता सकता है। ठीक है, तो ये सारे अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 22 के अंतर्गत दिए गए हैं। फिर हमारा आता है तीसरा प्रकार का जो मौलिक अधिकार, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो ये जो है आपका 23 और 24 आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, तीन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? बेगारी और मानव तस्करी का प्रतिरोध। बेगारी मतलब होता है बलात्श्रम, यानी किसी से मतलब कंपल्शन, मतलब जबरदस्ती किसी से काम करवा लिया जाना और उसे किसी भी प्रकार की मजदूरी ना देना, पैसे ना दो, जबरदस्ती उसको मार के धमका के काम करवा लो, तो इसको बेगारी बोलते हैं। पहले बहुत होता था, इसलिए सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया, यानी आर्टिकल नंबर 23 में। मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी भी मानव की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है, प्रतिबंधित है पूर्ण रूप से, तो ये आर्टिकल नंबर 23 के अंतर्गत है। आर्टिकल 24 क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे फैक्ट्री में कार्य नहीं कर सकते, यानी बाल मजदूरी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है आर्टिकल नंबर 24 के अंतर्गत।
ठीक है, याद रखिएगा कितने वर्ष, 14 वर्ष, सीधा पूछेगा कितने वर्ष से कमाई के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, तो आपको बताना है कि 14 वर्ष से कमाई के बच्चे, जहां ये बच्चों की आयु की बात आए ना, उसको आयु को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन वो पूछता है। और देख रहे 24 में भी लास्ट में 4 है, 14 में भी लास्ट में 4 है, इस तरह से याद रखिएगा। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कमाई के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई, इस तरह से रिलेट करके याद कर लीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम में आए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा चौथा प्रकार का जो मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में दिए गए हैं, इसमें आपको सिर्फ एक आर्टिकल याद रख लेना है, 25, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण करने की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसका राइट आपको संविधान देता है, ये आपका मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 25 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था कौन सा था, चौथा। ठीक है, अब हमारा यह है पांचवा प्रकार का मौलिक अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये आपको दिए हैं 25 तक हो गया ना, 25 तक हो गया, और ये आपको दिया है 28 तक हो गया, 25 बोल रहा हूँ, 28 तक हो गया, ये आपका दिया जाता है 29 और 30 के अंतर्गत। तो आर्टिकल नंबर 29 जो है ये माइनॉरिटी राइट्स है, यानी कि अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं वो आर्टिकल नंबर 29 के अंतर्गत हैं, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यही वाला आर्टिकल पूछता है टीसीएस। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 30 की, तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 30 के अंतर्गत आता है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 31, इस संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, बट फिलहाल के लिए इसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है आर्टिकल नंबर 31 को। तो 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में, और ये जो मौलिक अधिकार था इसको रिमूव कर दिया गया था मौलिक अधिकारों की श्रेणी से, वर्तमान में इसको आर्टिकल नंबर 301 के अंतर्गत रखा गया है, और अभी ये कानूनी अधिकार है। तो अगर पूछा जाए कि जो संपत्ति का अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है, तो आप बताएंगे कानूनी या विधिक अधिकार है, क्या कानूनी या लीगल राइट बोलते हैं अंग्रेजी में, विधिक अधिकार है, और फिलहाल के लिए ये आर्टिकल नंबर 301 के अंतर्गत समायोजित कर दिया गया है। ये याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978, सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो लास्ट हमारा मौलिक अधिकार है, छठा मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी तक मैंने आपको जितने भी मौलिक अधिकार बताए, अगर कोई उनका हनन करता है तो आप इस वाले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आप आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां शिकायत कर सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो आप आर्टिकल नंबर 226 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये वाला आर्टिकल काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, आर्टिकल नंबर 226। सीधा पूछा जाएगा किस आर्टिकल के अंतर्गत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत। यानी अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, आप आर्टिकल नंबर 32 या 226 के अंतर्गत शिकायत करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पांच प्रकार की रिट जो है आपको, मतलब पांच प्रकार की रिट जारी करता है। रिट के बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं भाग चार की, तो भाग चार जो है इसमें नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं, इसमें आर्टिकल नंबर 36 लेकर के 51 के बीच में दिए गए हैं। तो 36 के से 51 के बीच में सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 40 है ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन, ये आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत है। आर्टिकल नंबर 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यानी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये आर्टिकल ना पूछा जाए। फिर बात करेंगे आर्टिकल 45 की, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख व शिक्षा का उपबंध करना, ये राज्य सरकार का जो होता है वो दायित्व तो होता है एक तरीके से, तो ये आर्टिकल नंबर 45 के अंतर्गत। याद रखिएगा 6 वर्ष से कम आयु की बात की गई है आर्टिकल नंबर 45 के अंतर्गत। और आर्टिकल नंबर हमने बात की था 21 ए, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की गई थी, लेकिन 6 वर्ष से कम के बच्चों की बात आर्टिकल नंबर 45 के अंतर्गत की गई। पॉइंट याद रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आर्टिकल नंबर 45 के अंतर्गत जो बच्चों की देखरेख की शिक्षा के उपद की बात कही गई है, किस उम्र के बच्चों की कही गई है, तो 6 वर्ष से कम, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा फोर्स कर रहा हूँ और रुक करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे आर्टिकल 48 की, तो कृषि व पशुपालन का जो पशुपालन का संगठन, ये आर्टिकल 48 है, और 48 के काफी ज्यादा का जो है वो इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन
और वह वन्य जीवों का संरक्षण, ये काफी बार पूछा गया है तो इसके पिछली याद रखिएगा। फिर आर्टिकल 49 है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये आर्टिकल 49 है। आर्टिकल 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, 50-50 ऐसे याद रखो 50-50, यानी कोई पृथक कोई चीज बांटी जा रही है ना पृथककरण, तो बटेगी तो क्या 50-50, तो कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथककरण इस तरह से याद रखो, तो 50-50 मतलब बट रहा है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथककरण, तो 50-50 यानी आर्टिकल 50 ऐसे याद रखो, मैंने भी ऐसे याद रखा है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षण की अभिवृद्धि, क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षण की अभिवृद्धि। अब 51 तो भले ना पूछे लेकिन 51 का यानी 51A जरूर पूछता है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 51A में जो है वो मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। मूल कर्तव्य जो है इसका प्रावधान कहां से लिया गया है, मूल कर्तव्य का प्रावधान रशिया से लिया गया है। अच्छा, लेकिन अगर मौलिक अधिकार का प्रावधान पूछा जाए तो कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। वैसे मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, आप देख सकते हैं, मैंने डाल रखे हैं चैनल पे, आप देख लीजिएगा विजिट करके। अच्छा, बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों की, तो देखिए मौलिक अधिकार सॉरी मौलिक अधिकार निकल रहा है, मूल कर्तव्य की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए मूल कर्तव्यों की बात करें तो ये हमारे मूल संविधान का पार्ट नहीं था, यानी जब संविधान बन के तैयार हुआ तो मूल कर्तव्य इसमें नहीं दिए गए थे, इसको बाद में जोड़ा गया था, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। क्या? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। याद रखिएगा नाम बहुत पूछा जाता है कि मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया था। जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो कितने प्रकार के मूल कर्तव्य हुआ करते थे, मतलब जब इनको जोड़ा गया था, तैयार नहीं हुआ था, जब जोड़ा गया था 1976 में, तो कितने प्रकार के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में एक और जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य, ठीक है। ये कब जोड़ा गया था, तो 11वां मूल कर्तव्य जो था ये 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। क्या था ये, तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अभिभावकों द्वारा शिक्षा प्रदान करवाना, ये हमारा 11वां मूल कर्तव्य है, इसको सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कितने मूल कर्तव्य हैं तो आप सीधा बताएंगे 11 मूल कर्तव्य हैं। अच्छा, मूल कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं, तो भाग 4A के अंदर या 4 का के अंतर्गत दिए गए हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिर बात करेंगे भाग 5 की, इसमें आर्टिकल 52 से 151 के बीच में दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीएम सबकी एक एक करके बात करेंगे, और जिससे जैसे जैसे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं हम एक साथ उसको कंपाइल करके यहाँ पर आपको दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स पूछे जाते हैं सभी के सभी आपको एक साथ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 53 में बोला गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। वैसे जो पावरफुल पोस्ट देखी जाए, प्रधानमंत्री होते हैं, सारे के सारे काम वही करते हैं, लेकिन जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 54 की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो विधि है बताई गई है, निर्वाचन कैसे होगा, तो आर्टिकल नंबर 54 निर्वाचन इस तरह पढ़ोगे याद हो जाएगा। फिर आर्टिकल 60 क्या है, राष्ट्रपति की शपथ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो ओथ होती है राष्ट्रपति की वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है, वो आर्टिकल 60 है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, उसका क्या प्रोसीजर हो सकता है, आर्टिकल 61 इंपीचमेंट बोलते हैं आप महाभियोग को, क्या आर्टिकल नंबर 61। अब इसके अलावा आप देखेंगे मैंने यहां पर कुछ अलग कलर से हाईलाइट कर दिया, क्योंकि राष्ट्रपति से रिलेटेड मैं आपको पहले सारे आर्टिकल्स बता देता हूं, उसके बाद हम सीक्वेंस में भी सारे आर्टिकल्स को कवर करेंगे। अगर मेरी बात समझ नहीं पाए हैं तो आगे समझ जाएंगे। फिलहाल के लिए आर्टिकल याद रखिएगा 72 राष्ट्रपति से रिलेटेड है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, यानी अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे टाल सकते हैं, किसी को बहुत ज्यादा सजा मिली है तो उसे कम कर सकते हैं, ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। और राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 72 के अंतर्गत किसी को क्षमा करके कुछ बेहतर करते हैं, इस तरह से आप याद रखिए। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, बहुत पूछा जाता है 87 क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 108 राष्ट्रपति द्वारा सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना, यानी किसी बिल पर राष्ट्रपति चाहे तो संयुक्त सदन की मतलब सदन की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है, जो राष्ट्रपति संयुक्त सदन की बैठक बुलाते हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर करता है। कौन
अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष मानी कि स्पीकर करते हैं, समझ गया है ना। फिर आर्टिकल नंबर 123 के है, राष्ट्रपति का द्वारा अध्यादेश, यानी राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश ला सकते हैं, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत ला सकते हैं 123। आर्टिकल 143 क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति की परामर्श की शक्ति, यानी अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी कानूनी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं लेकिन उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 के अंतर्गत दिए गए हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और आर्टिकल 64 क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आर्टिकल नंबर 64 के अंतर्गत बताया गया। देखिए लोकसभा की जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, वो तो लोकसभा स्पीकर होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। और देखिए ऐसे भी बोलते हैं कि उपराष्ट्रपति को उनके उपराष्ट्रपति होने के पद की सैलरी नहीं मिलती, जी हाँ उन्हें जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के सभापति होने की सैलरी दी जाती है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 66 की, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन विधि बताई गई है। और 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की शपथ के विषय में चर्चा की गई है, राष्ट्रपति की शपथ के विषय में चर्चा आर्टिकल 60 में की गई थी, उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा आर्टिकल नंबर 69 में की गई है। बात करते हैं आर्टिकल 72, अब हम सीक्वेंस में चल रहे ना, 69 के बाद जो इंपॉर्टेंट है 72, उसके बाद जो 74 76 है ना, मैंने आपको बताया था पहले ये आर्टिकल में कवर कर चुका हूं राष्ट्रपति वाले पोर्शन में, लेकिन अब सीक्वेंस चल रहा है तो इस सीक्वेंस में भी हम इसको एक बार कवर करेंगे, चलिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, यानी आर्टिकल नंबर 72 के अंतर्गत किसी को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, किसी को फांसी की सजा है तो उसको कम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सजा है तो सजा की साल कम कर सकते हैं, इस तरह से कम कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये बात यहाँ पर पीएम की हो रही है, राष्ट्रपति को सलाह देने और उनके कार्य में सहायता करने के लिए जो होते हैं वो होती है मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद में मेन जो होते हैं वो पीएम होते हैं, तो आर्टिकल नंबर 74 में पीएम की बात की गई है। फिर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 76, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया ये वाला, बहुत ज्यादा पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 76। बात करेंगे आर्टिकल नंबर 77 की, भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, ये आर्टिकल नंबर 77 में बताया गया है। फिर बात करेंगे संसद, राज्यसभा और लोकसभा की, इसको याद रखिए सरला, या सरल याद रख लो, सरला याद रखना, जो याद रखना याद रख लो। तो सात से संसद 79, 80 में राज्यसभा, फिर 81 में लोकसभा, तो ये सबको याद होता है, मैंने कुछ नया नहीं बताया है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस नए होंगे तैयारी में तो उन्हें नहीं पता होगा, तो याद रखेंगे सात से संसद, फिर रात से राज्यसभा, फिर लास्ट से लोकसभा, तो 79, 80, 81 एकदम सीक्वेंस ये दिए होते हैं। फिर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 87 की, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दिया गया, मैंने राष्ट्रपति वाले पोर्शन में भी आपको बताया था। फिर आर्टिकल 93 है, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, क्या राष्ट्रपति सॉरी लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इनकी चर्चा आर्टिकल नंबर 93 के अंतर्गत की गई है। फिर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 100, ये वाला भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। आर्टिकल नंबर 100 क्या है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत, मान लीजिए किसी बिल पर वोटिंग हो रही है, ठीक है, और वोटिंग क्या है, पक्ष विपक्ष में 50-50% हो जाती है, यानी मैच ड्रॉ हो जाता है, तो फाइनल डिसीजन कौन लेगा, लोकसभा अध्यक्ष, यानी वो अपना निर्णायक मत देंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णायक मत है उसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 100 के अंतर्गत की गई है, और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। फिर बात करते हैं 108 की, 122 के बारे में, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, राष्ट्रपति संयुक्त सदन की बैठक को बुला सकते हैं आर्टिकल 108 के अंतर्गत, तो उनको अधिकार होता है। अच्छा 108 में जो अधिकार होता है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं इस बैठक की अध्यक्षता, सीधा सीधा पूछा जाता है। 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई है, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, जो बजट शब्द यूज करते हैं संविधान में ऐसा कोई शब्द दिया ही नहीं गया, जी हाँ वहां पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है, इसे वित्तीय विवरण बोलते हैं, फिलहाल आप शॉर्ट में बजट याद रख लो, किसमें दिया गया है 112 में, 116 में लेखा अनुदान है, 117 में वित्त विधेयक की बात की गई, 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन व स्थापना, तो 1-2 का 4 याद रख लो, 1-2 का 4 4-2 का 1, इस तरह गाना सुना होगा ना, 1-2 का 4 2-4 का 1 याद रखो, वो थोड़ा सा चेंज कर लो, 1-2 का 4 2-4 का 1, तो 1-2 का 4 जो है सुप्रीम कोर्ट है, 2-4 का 1 जो है वो हाई कोर्ट है, ऐसे याद रखो भाई साहब, ठीक है याद रहेगा ना, 1-2 का 4 सुप्रीम कोर्ट है, 2-4 का 1 हाई कोर्ट है। फिर बात करते हैं 143 सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति की परामर्श लेने की शक्ति, आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत आती है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 148, भारत के नियंत्रक और
महालेखा परीक्षक कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के विषय में चर्चा की गई है आर्टिकल नंबर 148 के अंतर्गत। फिर बात करेंगे हम भाग 6 की। भाग 6 में आर्टिकल 152 से 237 के बीच में दिए गए। अब हम राज्यपाल की बात करेंगे आर्टिकल 153 राज्यों का राज्यपाल, वो तो ये चर्चा की गई है यानी इस विषय में जो भी है वो सब आर्टिकल नंबर 153 के अंतर्गत दिया गया। आर्टिकल 154 है राज्य के कार्यपालिका जो शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। 100 सेम एकदम जैसे कि आप राष्ट्रपति को देखते हैं ना वैसे ही राज्यपाल है, ठीक है, क्योंकि जो सेंटर में राष्ट्रपति होते हैं जो स्टेट में होते हैं राज्यपाल होते हैं, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में निहित होती है, बात सीधी सी है। 155 क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में बताया गया है। 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति की शपथ 60 में बताई गई थी, उपराष्ट्रपति की शपथ 69 में बताई गई थी और राज्यपाल की शपथ 159 में बताई गई है, ठीक है। 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में थी, 72 में थी, लेकिन राज्यपाल की जो समाधान की शक्ति है वो किस आर्टिकल में है, 161 के अंतर्गत दी गई है। 163 आर्टिकल क्या है, राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए मंत्री परिषद, तो ये 163 क्या है, इसमें मतलब सीएम आ गया एक तरीके से, आप देख रहे हैं ना सलाह देने के लिए मंत्री, ऐसे पीएम के लिए भी होती थी, मतलब राष्ट्रपति के लिए होती थी पीएम वाली मंत्री परिषद, या राज्यपाल की जो सीएम वाली मंत्री परिषद है, समझ रहे हैं ना, एकदम एक ही जैसा है, थोड़ा सा अब मैच करने की कोशिश करिए। 163 बात करते हैं, 165 की महाधिवक्ता दिए गए हैं, महाधिवक्ता किसमें है, तो ये आते हैं 165, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। बात कर लेते हैं 168 राज्यों के विधान मंडल का गठन, तो ये 168 है। 169 राज्यों में विधान परिषद की संरचना, ये क्या है, ये है 169। अच्छा विधान परिषद कितने स्टेट में है, तो 6 स्टेट में विधान परिषद, यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना, जी हाँ दो दो करके याद करिएगा, मैप को दिमाग में रखिएगा और याद रखिएगा कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6, यूपी बिहार एक साथ आ गए, महाराष्ट्र कर्नाटक एक साथ आ गए और आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक साथ आ गए, तो इस तरह से याद रख पाएंगे, तो 6 स्टेट में विधान परिषद है। आर्टिकल 170 विधानसभा की संरचना, ये आर्टिकल 170 के अंतर्गत है। 171 क्या है, विधान परिषद की संरचना का प्रावधान क्या है। फिर 178 है विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, इनकी चर्चा जो है आर्टिकल 178 के अंतर्गत है। फिर 214 बताया था मैंने, 1, 2 का 4 सुप्रीम कोर्ट था और 2, 4 का 1 क्या है, हाई कोर्ट यानी राज्यों का जो उच्च न्यायालय है वो 241 यानी 214 आर्टिकल के अंतर्गत है और इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करेंगे 226 रिट निकालने की हाई कोर्ट की शक्ति, मैंने आपको बताया था ना, जब आपको बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा 6 प्रकार का मूल अधिकार, उसमें बताया था कि अगर आपको ये कोई मूल अधिकारों का हनन करता है तो आप आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो आर्टिकल 226 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आर्टिकल 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, यानी जो संघ राज्य क्षेत्र है यूनियन टेरिटरी है उनके क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो किस प्रकार किया जाएगा, वो आर्टिकल नंबर 239 के अंतर्गत बताया गया है। 243 की बात कर लेते हैं, ग्राम पंचायत, भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। ग्राम पंचायत के विषय में जो बताया गया है आर्टिकल 243 के अंतर्गत बताया गया। 244 के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसके विषय में जो बताया गया है वो आर्टिकल नंबर 244 में बताया गया। फिर आर्टिकल नंबर 249 क्या है, राज्य सूची के विषय में संसद द्वारा बनाए जाने की कानून बनाने की शक्ति, यानी अगर केंद्र चाहे तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है उसके वेलफेयर के लिए, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत 249। और ऐसे ही कुछ मिलता जुलता 250 है, आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय में संसद द्वारा कानून बनाने की जो शक्ति है वो आर्टिकल नंबर 250 में दी गई है। बात करेंगे आर्टिकल 262, ये भी बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, नदी जल विवाद जो है वो आर्टिकल नंबर 262 में है। दो मतलब दो राज्यों के बीच में किसी नदी को लेकर के उसके जल के बंटवारे को लेकर के विवाद है तो वो क्या है, आर्टिकल नंबर 262 के अंतर्गत बताया गया है। आर्टिकल नंबर 263 क्या है, अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 266 भारत व राज्यों की संचित निधि व लोकलेखे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, संचित निधि व लोकलेखे आर्टिकल नंबर 266 है और आकस्मिक निधि 267 है, ठीक है, 266 267 दोनों एक साथ याद रखिएगा। फिर जीएसटी की बात करते हैं,
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये है 279A, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है जीएसटी 279A। फिर आर्टिकल 280 वित्त आयोग की चर्चा की गई है 280 की के अंतर्गत। 300 ये मैंने आपको बताया था जो पहले आर्टिकल 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार हुआ करता था उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44 संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटाया गया था, बताया था ना मैंने आपको। और इसको फिलहाल के लिए 301 के अंतर्गत समायोजित कर दिया गया संपत्ति का विधिक अधिकार या संपत्ति का कानूनी अधिकार, लीगल राइट बना दिया गया। फिर 312 अखिल भारतीय सेवा यानी आईएएस आईपीएस आईएफएस के बारे में बताया गया। 315 संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। 324 ये बहुत इंपॉर्टेंट है चुनाव आयोग। फिलहाल के लिए 100 आर्टिकल्स मैंने कंप्लीट कर दिए, 10 एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, तो ये 326 में बताया गया। 338 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सी पूरा का पूरा याद रखो। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये आर्टिकल 338 है, लेकिन इसमें फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को जोड़ दिया गया 338A के अंतर्गत। और इसमें 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था सन 2002 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ट्रिपल स्टार फाइव स्टार जितना मारना है मार लो, याद रख लेना पूरा संविधान संशोधन सहित। 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। फिर 338B भी जोड़ा गया, इसमें पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की और राष्ट्रीय आयोग बनाया गया। और ये 102वां संविधान संशोधन था सन 2018 में, ये वाला आर्टिकल इसमें जोड़ा गया था। तीनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। फिर बात करेंगे 343 की, संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 343 243 में हमने देखा था ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया था, 343 देख रहे हैं संघ की राजभाषा। और राज्य की राजभाषा की बात कर लेंगे तो ये 345 में बताया गया। 350 का ये याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में जो शिक्षा की सुविधाएं हैं, मतलब जो जिस एरिया में स्कूल खुला है ठीक है, तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसी में बच्चों को पढ़ाया जाए ठीक है, इससे क्या होगा बच्चे ज्यादा समझेंगे, तो उसी के विषय में चर्चा की गई है 350 का के अंतर्गत। अब आपातकाल की भी बात कर लेते हैं, तो 352 356 360 चार चार जोड़ते चले जाइए, 52 + 4 56 + 4 60। तो ये पहला दिया है 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, फिर 56 में राज्य आपातकाल, और फिर 60 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया बताओ? अमेरिका से लिया गया, सीधा सीधा पूछा जाता है प्रश्न। फिर आर्टिकल 368 की बात करेंगे, संविधान संशोधन ठीक है, संविधान संशोधन का प्रावधान कहां से लिया गया है? साउथ अमेरिका से लिया गया है, नहीं साउथ अमेरिका नहीं, साउथ अफ्रीका से लिया गया, अमेरिका का है बोल रहा हूं मैं, साउथ अफ्रीका है भैया, हिंदी में लिख देता हूं ठीक है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन का प्रावधान। 370 जम्मू कश्मीर से जो संबंधित कानून है ठीक है, समझ गए होंगे आप। 370 से कौन नहीं परिचित है? सभी लोग परिचित हैं। तो ये था आज का वीडियो सेशन, सारे के सारे आर्टिकल्स मैंने आपको बताए जो बार बार रिपीट होते हैं। एक प्रश्न आपको दे करके जा रहा हूं, अब आप बताइए राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? वैसे तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, लेकिन अब मैं आपसे कहूंगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और नहीं उपराष्ट्रपति के बारे में मैंने बताया नहीं, राष्ट्रपति के बारे में बताइए किस, अच्छा ये सारे आर्टिकल्स मैंने आपको बताया है ना, तो आप 61 के बारे में बताइए, 61 में क्या है, 72 में क्या है, 76 में क्या है, तीन आर्टिकल एटलीस्ट आप जरूर लिख करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या क्या इनके अंतर्गत दिया गया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर क्विज चल रही है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर टेक्स्ट बुक पास अभी तक आपने परचेज नहीं किया है और करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।